हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविलारा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्विंग। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेवलिंग का क्या मतलब होता है। लेवलिंग होता है कि किसी भी पॉइंट की एलिवेशन को मेजर करना, उसे हम लेवलिंग कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग क्या होती है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है लेवलिंग का, जिसमें भी हम एलिवेशन किसी पॉइंट की मेज़र करते हैं। लेकिन इसमें हम एलिवेशन कैसे मेज़र करते हैं, थ्रू वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के थ्रू। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग वेर इन द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वर्टिकल एंगल मेजर्ड विद द थियोडोलाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड विद अ चेन ऑर टेप। मीन्स कि सबसे पहले हम वर्टिकल एंगल मेज़र करेंगे थियोडोलाइट से, ठीक है। फिर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करेंगे चेन या टेप से। फिर जब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल मेज़र किया, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज़ करके हम पॉइंट की एलिवेशन का पता लगाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इंट्रोडक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग दो तरह की होती है, एक होती है हमारी प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एंड सेकेंड इज जियोडेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेन सर्विंग यूज किए जाते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेन सर्विंग क्या है, सबसे पहले हमें याद होगा कि हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लेन सर्विंग क्या है और हमारी जियोडेटिक सर्विंग क्या है। प्लेन सर्विंग होती है जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता, उसे प्लेन सर्वेइंग कहते हैं, और जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है उसे हम जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। अब प्लेन सर्वेइंग क्या हुआ, जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जा रहा, इसी तरह से प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या हुआ, जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जा रहा, और जियोडेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या हुआ, जिसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जा रहा है। अब अगर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जा रहा है, तो हमें अर्थ कर्वेचर और रिफ्लेक्शन की वजह से जो करेक्शन आएंगी, जो एरर आएंगे, उनको करेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। सो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या हुई, जिसमें हम किसी भी पॉइंट की एलिवेशन निकालते हैं थ्रू मेजरिंग वर्टिकल एंगल विद अ थियोडोलाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद अ चेन और टेप। और फिर दो तरह की होती है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एंड जियोडेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या हुआ, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेन सर्विंग यूज करते हैं, और जियोडेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हुआ, जिसमें हम अर्थ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आता है उसको करेक्ट करते हैं। अब इसमें हमारे तीन केसेस आते हैं इस चैप्टर में। एक तो आता है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज असेसिबल। सबसे पहला केस है व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज असेसिबल। मींस कि अगर जिस ऑब्जेक्ट को हम साइट कर रहे हैं उसका बेस हमें विजिबल है, तो ये पहला केस आएगा। सेकंड केस का मतलब क्या होगा, जब बेस ऑफ ऑब्जेक्ट असेसिबल नहीं है, व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल। तो दो ही केस है, एक है व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज असेसिबल एंड व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज असेसिबल के केस को। यहाँ पे एक चीज गलत ये है, जो रेड पेन से ठीक ही है, कि जो बेस है ये यहाँ पे नहीं, ये बेस यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये बेस यहाँ पे है, और ये जो ग्राउंड है हमारी ये इस तरह से जा रही है, ये कुछ भी नहीं है। ये ग्राउंड यहां से होते हुए यहां से जा रही है, ये बेस इधर है हमारा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट, ये आ गया टॉवर जिसका हमने एलिवेशन पता लगाना है, ये आ गया स्टॉफ जिससे हम बैक साइड मेजर कर रहे हैं, ये आ गया एंगल जो थियोडोलाइट बना रहा है टॉप ऑफ द टॉवर के साथ एट पॉइंट क्यू। वी इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉवर, जो वी है। डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन थियोडोलाइट एंड हाइट ऑफ द टॉवर, एंड दिस इज अ बेंचमार्क। सो सबसे पहले हमने क्या किया, बैक साइड मेजर की बेंचमार्क पर, जिससे हमें हाइट ऑफ द थियोडोलाइट पता चल गई, या हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हमें पता चल गया।
उसके बाद हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया टैन थीटा का, टैन थीटा का फॉर्मूला लगाया। अब टैन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, थीटा टैन थीटा में दिस इज आवर परपेंडिकुलर, सो वी डिवाइडेड बाय डी। सो वी डिवाइडेड बाय डी इज टैन थीटा। सो यहाँ से हमारा वी यानी कि वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉवर निकल जाएगा डी टैन थीटा, वही हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हमें बेसिकली आर एल निकालना है पॉइंट क्यू का, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। सो हमने आर एल निकालना है पॉइंट क्यू का, वो कैसे निकालेंगे, आर एल अ बेंचमार्क जो ऑलरेडी नोन होगा हमें। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी एलिवेशन हमें पता होती है। फिर आता है बैक साइड यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम एस भी कह सकते हैं। उसके बाद प्लस करेंगे वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉवर, तो जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आर एल ऑफ क्यू निकल जाएगा। जैसे कि हमने इस फॉर्मूले में देखा है कि आर एल ऑफ क्यू क्या आया, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस वी। तो दिस इज आ फर्स्ट केस व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज असेसिबल। जब हमारे ऑब्जेक्ट का बेस असेसिबल होगा तो ये हमारा केस होगा, सिंपल फॉर्मूला है। सेकेंड केस, जैसे कि मैंने बताया था बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल, यानी कि अब हमें बेस जो है थ्यूटोलाइट से नहीं दिख रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जब भी हमें बेस असेसिबल होता है, जैसे कि यहाँ पे बेस हमारा असेसिबल था, तो हमारा काम एक थ्यूटोलाइट इंस्ट्रूमेंट से हो जाता है। लेकिन जब हमारा बेस असेसिबल नहीं होता है, तो यानी कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट असेसिबल, तो उस केस में हमें दो थ्यूटोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं। अब दोनों थ्यूटोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज, दो थ्यूटोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। अब इसलिए इन असेसिबल वाले केस के अंदर दो फर्दर सब केसेस आ जाते हैं। पहला सब केस आता है कि इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर एट सेम लेवल, मतलब जो दो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किए वो दोनों सेम लेवल पे है। तो दूसरा केस क्या होगा कि दोनों डिफरेंट लेवल पे है, एक ऊपर है एक नीचे है, जब एक पहला वाला ऊपर है दूसरा वाला नीचे है। सो पहला केस हम सब केस पढ़ेंगे कि बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर एट सेम लेवल। तो वही है कि जो पहला इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा टॉवर है, ठीक है, जिसका बेस इनअसेसिबल है, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ तक ही देख पा रहे हैं। उसके बाद ये जो अल्फा वन है, दिस इज द एंगल मेड बाय थ्यूडोलाइट वन एट द टॉप ऑफ द टॉवर, एंड अल्फा टू इज द एंगल मेड बाय थ्यूडोलाइट टू एट द टॉप ऑफ द टॉवर। वी इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉवर फ्रॉम थ्यूडोलाइट, एंड दिस इज बैक साइड एंड दिस इज आवर बेंच मार्क। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट को कंसिडर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, आर वाला पॉइंट हमारा है ही नहीं, सिर्फ पी पॉइंट है हमारे पास, ये पी है ये आर है, तो सिर्फ हमारा पी पॉइंट है। तो इसमें मैं अगर टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन अल्फा वन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, वी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी आएगा, वी आ जाएगा डी टेन अल्फा वन। फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, अब मैं कंसीडर करूंगा कि ये इंस्ट्रूमेंट हमारा नहीं है, सिर्फ आर वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो टेन अल्फा टू क्या आएगा हमारा, टेन अल्फा टू आएगा वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय डी प्लस बी, ठीक है, यानी कि वी इज इक्वल टू डी प्लस बी टेन अल्फा टू। तो वी इज इक्वल टू डी टेन अल्फा वन फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, एंड वी इज इक्वल टू डी प्लस बी टेन अल्फा टू फ्रॉम द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करें तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये बन जाता है, जो कि हमें सिर्फ याद करने की जरूरत है, हमें डिराइव नहीं करना है यहाँ पे। बेसिकली अगर हम ब्रैकेट को खोलें उसके बाद सॉल्व करें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आया हमारा, डी इज इक्वल टू बी टेन अल्फा टू डिवाइडेड बाई टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। यहाँ से हमारा डी की वैल्यू निकल जाएगी। अब जब डी की वैल्यू निकल गई हमारी, तो हम अल्फा वन की वैल्यू पता है हमें, और हम पुट करके वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला से पहले लगाया, आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड प्लस वी। सो दिस इज सेकंड केस। पहला केस क्या था, व्हेन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज असेसिबल। फिर दूसरा केस आया, व्हेन बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनअसेसिबल। उसके अंदर फर्दर दो केसेस आते हैं, व्हेन इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर एट सेम लेवल एंड व्हेन इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर एट डिफरेंट लेवल। सेम लेवल वाला पढ़ लिया, अब हम डिफरेंट लेवल वाला पढ़ लिए। अब इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर एट डिफरेंट लेवल, अब डिफरेंट लेवल वाले में दो केस आते हैं। पहला केस होगा कि जो हमारा पी वाला इंस्ट्रूमेंट है वो नीचे लेवल पे है
और क्या आर वाला इंस्ट्रूमेंट ऊपर वाले लेवल पे है। फिर दूसरा केस क्या आएगा कि पी वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा ऊपर लेवल पे है और आर वाला नीचे लेवल पे है। सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि एस टू इज ग्रेटर देन एस वन, मीन्स आर इज एट हायर लेवल देन पी। बाकी वही है, अब यहाँ पे हमारा दोनों के लिए वी की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अल्फा वन के लिए वी वन आएगा, अल्फा टू के लिए वी टू आएगा। अल्फा वन इज द एंगल मेड बाय इंस्ट्रूमेंट पी एट द टॉप ऑफ द टॉवर, अल्फा टू इज द एंगल मेड बाय इंस्ट्रूमेंट आर एट द टॉप ऑफ द टॉवर क्यू। तो हमने जैसे पिछले केस में किया, पहले ये वाला इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया पी वाला, तो टेन अल्फा वन इज इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाई डी। फिर ये वाला इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया टेन अल्फा टू इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाई डी प्लस बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वी वन की वैल्यू निकल गई, वी टू की वैल्यू निकल गई। अब वी वन माइनस वी टू, अगर मैं ये वी वन कंसिडर करूँ, इसमें से वी टू माइनस कर दूँ, तो हमारा ये वाला पार्ट निकल रहा है। और यहाँ पे भी अगर मैं एस टू में से, ये एस टू है, एस टू में से एस वन माइनस कर दूँ, तो मेरा यही वाला पार्ट निकल रहा है। यानी कि एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू। वही लिखा हुआ है कि एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू। वी वन की वैल्यू पुट की डी टेन अल्फा वन, वी टू की वैल्यू पुट की डी प्लस बी टेन अल्फा टू। और जब इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया डी इज इक्वल टू एस प्लस बी टेन अल्फा टू डिवाइडेड बाई टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। फिर फाइनली आर एल एफ क्यों क्या आएगा, आर एल एफ बेंच मार्क, दिस इज आर बेंच मार्क। तो आर एल एफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड, बैक साइड क्या होगी, या तो एस टू करेगा करेंगे प्लस, या एस वन प्लस एस प्लस करेंगे, फिर प्लस वी टू करेंगे प्लस, अगर हम एस वन लेते हैं तो वी वन प्लस करेंगे। आर एल बेंच मार्क प्लस वन प्लस वी वन, आर एल ऑफ बेंच मार्क एस टू प्लस वी टू। अब दूसरा केस होता है कि एस वन ग्रेटर देन एस टू, अब इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो हमारा बाकी फॉर्मूला सेम है, खाली प्लस की जगह माइनस करना है और नीचे वाले इंटरचेंज करने हैं, अल्फा वन किया अल्फा टू, अल्फा टू किया अल्फा वन। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है। इट इज एन इंडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की एलिवेशन को मेजर करने का इंडायरेक्ट मेथड है। क्यों इंडायरेक्ट है, क्योंकि हम पहले वर्टिकल एंगल निकालते हैं थियोडोलाइट से, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं चेंजर टेप से, फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एलिवेशन निकाल रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हुआ। बेसिकली हमने जब केसेस पढ़े वहां पे भी हमें अल्फा पता था, अल्फा कैसे पता था, थियोडोलाइट से पता था, यानी कि वर्टिकल एंगल पता था। हमें डी की वैल्यू पता थी, डी की वैल्यू क्यों पता थी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर किए होते। फिर बेसिकली हम क्या करते थे, टैन फार्मूला लगाए थे, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले यूज कर रहे थे, वहां से हमारा आंसर निकल रहा था, तो ये वहां से हमारी एलिवेशन निकल रही थी। तो दिस इज माई पहली डेफिनेशन थी जो उसके हमने पढ़ा कि दो तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग होती है, एक प्लेन और एक जियोडेटिक। प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है हमारा, इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेन सर्वेइंग इंप्लीमेंट करते हैं। और जियोडेटिक क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग इंप्लीमेंट नहीं करते, यानी कि हम इसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की करेक्शन होती है वो अप्लाई करते हैं। उसके हमने दो केस पढ़े, एक तो जब बेस जो है हमारा असेसिबल है, ठीक है, और एक हमने पढ़ा जो हमारा बेस है ऑब्जेक्ट का वो इनअसेसिबल है। तो जो हमारा बेस है ऑब्जेक्ट का वो असेसिबल होगा तो उसमें सिंपल केस आएगा, जो इनअसेसिबल है उसमें दो केस आएंगे, उसमें दो इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। एक तो होगा जब दोनों इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे है, एक होगा जब दोनों इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट लेवल पे है, या इस तरह से या इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल सिविल आरा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।